हेलो गाइज एंड फाइनली वी आर हेयर ऑन यूट्यूब। तो आज हम लोग फिर से खेलने वाले हैं GTA 5। तो भाई आप लोगों को याद होगा कि भाई ये जो बंदा आपके सामने खड़ा है ये है माइकल भाई, जिसने कि वहाँ पर नॉर्थ हैंगटन में बहुत ही ज़्यादा तगड़ी चोरी की थी, जिसके बाद में इसका नाम काफ़ी ज़्यादा अच्छा खासा बन गया था गैंगस्टर लाइन में। ये एक काफ़ी ज़्यादा प्रोफेशनल गैंगस्टर है। तो ये अभी के लिए माइकल यहाँ पर कोई भी चोरी वगैरह नहीं कर रहा, क्योंकि ये फैमिली टेंशन में बहुत ज़्यादा है, इसलिए इसने काफ़ी हद तक चोरी बंद की है। बट एकदम से भाई पिछले कुछ दिनों में मेरे पास एक बंदा आया भाई, मेरे घर में मेरी गाड़ी चोरी कर रहा था और लकीली मैं उसी गाड़ी के अंदर बैठा था। तो भाई मैंने उसे साथ ही साथ पकड़ लिया, मैंने उसके ऊपर रख दी बंदूक। तो पूछा उससे कि भाई भेजा किसने है, और ये भी पूछा कि भाई तुम हो कौन। तो भाई मैंने उससे पूछा तो उसने अपना नाम बताया, फ्रैंकलिन। तो फ्रैंकलिन था उसका नाम, और उसको भेजा था साइमन ने। तो भाई साइमन जो बंदा है ना, उसकी है एक डीलरशिप पूरी शोरूम, जो कि मुझे भी वो काम करना है भाई। इसी सीरीज़ में हम लोग बनाने वाले हैं अपना शोरूम भी, पर अभी के लिए मेरे पास बिल्कुल पैसे नहीं है। तो साइमन के पास शोरूम है, तो मेरे माइंड में कुछ तो चल रहा है। बट या गाइस, उस बंदे ने मुझे भेजा, तो फ्रैंकलिन ने बोला भाई वो बंदा बहुत डेंजर है, उसने मुझे गाड़ी चोरी करने के लिए बोला, मैं तो एक सिर्फ गैंग मेंबर हूँ, मुझे गाड़ी चोरी करनी होगी। तो भाई मैंने कहा भाई उसकी दुकान के अंदर घुसे, भाई वो कहता मुझे डर नहीं लगता। मैंने कहा, मैंने उसे बता दिया भाई मेरे नॉर्थ एंगटन वाले काम और बाकी और भी काम। तो भाई मैंने उसको उसकी दुकान के अंदर गाड़ी घुसेड़ के उसी को ही कूटा। फिर उसके बाद में भाई फ्रैंकलिन हो गया पूरा, मतलब कि हमसे मतलब कि थोड़ा सा वो हो गया था कि भाई ये तगड़ा गैंगस्टर है भाई, ये बंदा तगड़ा है। तो फिर उसके बाद में भाई वो मेरे घर पर आकर मुझे कहता भाई मुझे भी तुम्हारे जैसा गैंगस्टर बनना, मुझे भी तुम्हारे साथ रखो। तो भाई मैंने कहा ठीक है। बट फिर उसकी जस्ट बाद में मेरे पास जिमी का कॉल आता है भाई। जिमी मुझसे बोलता है कि भाई मैं बहुत ज़्यादा तगड़ी मुसीबत में हूँ भाई। उसको किसी ट्रक में ले जाकर कूट रहा था कोई बंदा, जिसके ऊपर एक शिप सी थी। तो भाई मैंने सोचा भाई इसी के साथ फ्रैंकलिन का टेस्ट हो जाएगा, तो मैंने फ्रैंकलिन को साथ लेकर गया मैं जिमी को बचाने के लिए। पर भाई फ्रैंकलिन ने तो अपनी जान को जोखिम में डालकर जिमी को बचा दिया। तो गाइस इसीलिए मैंने अभी सोचा है कि मैं फ्रैंकलिन को गिफ्ट करूँ एक तगड़ी सी कार। बट या गाइस मेरे पास उसके लिए पैसे नहीं हैं, तो उसका भी मैंने एक तरीका सोचा। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, मैंने सूट वूट डाल दिया, क्योंकि भाई गिफ्ट देना एक बंदे को, इसलिए माइकल की एक पर्सनैलिटी है खुद की, तो इसलिए गिफ्ट देना ज़रूरी है। तो गाइस फ्रैंकलिन को मैंने साइमन को बोल दिया था कि भाई मेरे लिए चुपचाप एक गाड़ी का जुगाड़ कर दे, और मेरे लिए 10 लाख रुपये का भी जुगाड़ कर दे, $10 मिलियन का। तो गाइस 10 लाख नहीं, 10 मिलियन डॉलर का जुगाड़ कर दे। तो भाई वो कहता भाई तुम्हारे लिए आज उसका फ़ोन आया कि गाड़ी का तो जुगाड़ हो गया है, तो इसलिए जल्दी से फ्रैंकलिन को भी कॉल कर देते हैं, बुला लेते हैं उसको गाड़ी के को उसको गिफ्ट करने के लिए। देखते हैं हमें उसको लेकर आना पड़ेगा या वो आएगा, बाकी हम लोग देख लेते हैं। और हाँ गाइस, वो कह रहा है कि आपके लिए 10 मिलियन का जुगाड़ थोड़े टाइम में करेगा, क्योंकि भाई उसको भी मुश्किल होती है, इतना तो मैं भी समझता हूँ। बट यार मैं उसको कॉल करता रहूँगा, मुझे पैसे चाहिए, तो नहीं तो भाई मैं उसे मार भी सकता हूँ जाकर। मैं भाई बम वगैरह लगा के आ जाऊँगा उसके शोरूम में, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। तो बाकी मैं उससे पैसे तो अभी ले ही लूँगा। अभी फ्रैंकलिन ने हमें लोकेशन भेज दी है, तो जल्दी से उस वाली लोकेशन पर भी पहुँचते हैं। बाकी गाइस ये वाली कार मैंने पिछले एपिसोड में ली थी भाई, बहुत ही ज़्यादा तगड़ी कार है भाई, एकदम मतलब कि शांत कार है भाई। जैसे कि मुझे मेरे ख्याल से इलेक्ट्रिक कार है आई थिंक, जहाँ तक मुझे लग रहा है भाई, काफ़ी ज़्यादा तगड़ी कार है। यहाँ पर देख सकते हो गाइस बिल्कुल भी आवाज़ नहीं है इसके अंदर। तो गेट अपना ऑटोमेटिक सेंसर वाला है। अभी गाइस मुझे जो GTA 5 का पूरा मैप है ना, वो अच्छे से याद नहीं हो पाया। तो अभी हमें फ्रैंकलिन ने कुछ ये वाली लोकेशन भेजी है इधर की ओर, तो जल्दी से मैंने यहाँ पर गूगल मैप्स पर लगा ली अपनी फ्रैंकलिन की लोकेशन, और चलते हैं जल्दी से अभी हम लोग जल्दी से जहाँ पर फ्रैंकलिन ने हमें लोकेशन भेजी है। और बाकी का यार लॉस सेंटर्स में भाई बहुत ही ज़्यादा ट्रैफिक रहती है, तो इसलिए थोड़ा बहुत लेट शेट हो जाता है बंदा पहुँचने में, बाकी तो कोई दिक्कत है नहीं इतनी भी। भाई फरारी भाई शहर में फरारी फिर रही है, ये भी सही है भाई, चोरी करेंगे किस दिन देखेंगे ये बंदा कहाँ पर जाने वाला कहाँ पर नहीं। बाकी अभी हम लोग चलते हैं जल्दी से जहाँ पर फ्रैंकलिन ने हमें बुलाया है, बाकी नज़दीक ही है, यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है। फ्रैंकलिन यहाँ पर पता नहीं क्या कर रहा था। तो बाकी अभी मैंने मैप पर मैं अभी यार थोड़ा सा आगे आ गया यहाँ से।
ये नकली आरआर भी यहाँ पर जा रही है। बाकी हाँ गाइस यार, मैं सोच रहा हूँ साइमन से एक रॉयल्स रॉयस भी, अभी तो हम लोग इसको फ्रैंकलिन को गिफ्ट कर रहे हैं भाई, मेरे लिए भी तो एक तगड़ी कार चाहिए, तो मैं सोच रहा हूँ भाई मेरे लिए एक तगड़ी सी रॉयल्स रॉयस भी साइमन से ले लूँ मैं। बाकी गाइस इतना भी ज़्यादा फ़ायदा नहीं उठाएंगे, उससे ज़्यादा भी नहीं, मतलब कि एक रॉयल्स रॉयस और $10 million बहुत है अपनी, मतलब कि डीलरशिप की स्टार्टिंग के लिए 10 million आई थिंक सो भी बहुत होंगे। तो मैं चाहूँ तो उससे ज़्यादा भी मांग लूँ, पर भाई नहीं है, फिर वो डर जाएगा, वो कह देगा भाई मार दो पर मैं पैसे नहीं दूंगा, वो काम भी नहीं होना चाहिए। तो 10 million के लिए उसने हाँ बोल दिया, तो वो तो हम लोग ले ही लेंगे। तो जल्दी से अभी हम लोग पहुँचने वाले हैं, अभी भाई वो थोड़ा सा दूर चला गया पता नहीं क्यों, बाकी ज़्यादा भी दूर नहीं है। और मैं सोच रहा हूँ गाइस अगर थोड़ी बहुत बैंक रॉबरीज वगैरह भी कर लेते हैं हम लोग, ताकि पैसा और भी ज़्यादा हो जाए, बट मेरा थोड़ा सा कम मन कर रहा है। मैं सोच रहा हूँ उस $10 million को हम लोग बिजनेस में डबल ट्रिपल भी कर सकते हैं, पर उसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा। रॉबरी हमें डायरेक्ट इनटू 10 भी दिला सकती है, बाकी अभी मैं गलत रास्ते पर आ चुका हूँ। तो रॉबरी के लिए भी मैं सोच रहा हूँ, क्योंकि रॉबरी भी काफ़ी अच्छा ऑप्शन है, बट उससे भाई, पर भाई माइकल एक गैंगस्टर है शायद से, पर भाई अभी काफ़ी टाइम हो चुका है नॉर्थ हैंटन वाली चोरी को भी, तो अभी मैंने नहीं दोबारा से मैंने गैंगस्टर मैं बनना शुरू हो चुका हूँ। बाकी गाइस यार यहाँ पर ये साइमन बे यार इसकी भैंस की यहाँ यार ये टैक्सी वाला बीच में आ रहा अब। ओके तो अभी हम लोग पहुँच चुके हैं। ओके भाई ये खड़ी लैम्बो, भाई इसने तो डायरेक्ट लैम्बो का जुगाड़ करा दिया। ओके भाई ये भी सही है, तो अभी यहाँ पर इसका एक चेला वो वहाँ पर खड़ा है, तो बाकी हम लोग पहले लैम्बो देख लें। भाई साहब भाई काफ़ी ज़्यादा एपिक और तगड़ी वाली कार है, फ्रैंकलिन का है। ओके ये रहा फ्रैंकलिन, तो अभी इससे भी पूछ लेते हैं जल्दी से। हाँ भाई ओके, तो ओके गाइस अभी मेरी फ्रैंकलिन से यहाँ पर बात हो चुकी है। भाई फ्रैंकलिन को तो बहुत ही ज़्यादा पसंद आई, और इसको मैंने बता दिया कि भाई ये तुम्हारे बे इसकी बे यार ये बंदा बे भाई अभी तो ये गया, अभी मैं इसको भाई मैं सोच रहा हूँ इसे जान से मार देता हूँ, पर मेरा बिल्कुल मन नहीं है अभी इसको बाहर निकाल। बे यार माइकल तू भी यार बैठ गया। ओके बाहर अब ये गया, ये ले इसकी भैंस की आँख, इसके तो एक मुक्के में खून निकल गया। चल चल चलो भाई छोड़ो यार इसे जाने दो, और बाकी हम लोग इसके साइमन के चेले से यहाँ पर बात कर लेते हैं इस गाड़ी के बारे में, और इसको उसको कह देंगे भाई उसको अपने पैसों के बारे में भी बता दे कि भाई माइकल आया था, तो यहाँ पर इससे बात करते हैं। ओके गाइस तो अभी मेरी इससे बात हो चुकी है, ये कह रहा भाई मेरी साइमन से बात हो चुकी है, तो आप लोग ये गाड़ी ले जा सकते हो, और बाकी इसने मेरे पैसों के बारे में भी बता दिया कि भाई वो भी हो जाएगा। और बाकी मैं रॉयल्स रॉयस के बारे में इसे नहीं बताने वाला, क्योंकि मैं उससे आप अपने आप बात कर लूँगा फ़ोन पे, तो धमका भी दूंगा थोड़ा सा, एक आधा बॉम्ब फिट कर दूंगा, और क्या इससे ज़्यादा क्या होगा, रॉयल्स रॉयस अपने पास आ जाएगी, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो बाकी भाई ये वाली कार अभी के लिए मैं चलाने वाला हूँ, पहले अभी इसकी टेस्ट ड्राइव वगैरह लेंगे। मैं सोच रहा हूँ एयरपोर्ट जाके टेस्ट ड्राइव करें, पर नहीं भाई एयरपोर्ट अभी नहीं, बाद में अगली वीडियो में हम लोग जरूर इसका टेस्ट ड्राइव करेंगे, इसकी टॉप स्पीड वगैरह देखेंगे। तो अभी ये सबसे पहले तो भाई फ्रैंकलिन को मैं सोच रहा हूँ भाई फ्रैंकलिन को एक बार, वैसे मैंने उसे गिफ्ट दिया है, पर मैं सोच रहा हूँ एक दो दिन मैं रखूँ इस गाड़ी को, और थोड़ा बहुत चलाएँ इसे, थोड़ा मतलब कि सुपर कार वगैरह चलाएं यार, अभी मैंने भी नहीं चलाई है सुपर कार, मैं भी फर्स्ट टाइम ड्राइव कर रहा हूँ सुपर कार, तो देखते हैं गाइस कैसी होने वाली है, कि ये फ्रैंकलिन को देनी है या फिर मैं रखता हूँ। बाकी गाइस मेरा तो बहुत ज़्यादा मन कर रहा है इसको रखने को, बाकी गाइस इसकी साउंड देखो भाई कितनी लाउड है, भाई साहब क्या ही है कुछ चीज़ है भाई ये। बाकी गाइस इसके अंदर हम लोग थोड़ी बहुत मॉडिफिकेशन करा सकते हैं, वो तो भाई फ्रैंकलिन अपने आप करवा लेगा अगर इसे करवानी होगी तो। तो भाई अभी मैं फ्रैंकलिन से तो बात करूंगा कि भाई ये गाड़ी एक दो दिन के लिए मैं रख लेता हूँ, बाद में ले जाना भाई कभी भी, इससे ऐसी कौन सी बड़ी बात है। तो जल्दी से अभी हम लोग मैं तो सोच रहा हूँ भाई मैं ही रख लेता हूँ, अभी मेरे ही घर पर चलते हैं जल्दी से इस गाड़ी को लेकर, और फिर मैं कह दूंगा भाई दो तीन दिन में ले जाना इस कार को। बाकी भाई यार इसे चलाने में अभी तो मैं यहाँ पर माइकल के घर नहीं जा रहा, ऐसे इधर उधर फिर रहा हूँ, और भाई यार इसको चलाने का मज़ा ही अलग है। अभी हम लोग भाई थोड़ा बहुत इसकी ड्राइव मैंने ले लिया, तो अभी हम लोग जल्दी से चलते हैं भाई अपने घर पर, और रखेंगे भाई एक दो दिन। फ्रैंकलिन से मैंने पूछ लिया भाई, वो कहता है भाई कोई दिक्कत नहीं है आपकी गाड़ी है, मैंने कहा भाई मेरी नहीं है आज से, ये गाड़ी तेरी है, बस एक दो दिन के लिए चाहिए मुझे। तो भाई बाकी गाइस मैं लैम्बो लुम्बो अभी नहीं लूँगा, मैं मेरे भाई चॉइस रॉयल्स कार रॉयल कार है, तो मैं सोच रहा हूँ भाई रॉयल्स रॉयस ही लूँगा मैं, अभी लैम्बो वगैरह मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो
अभी जल्दी से अभी हम लोग चलते हैं हमारे घर पर, एकदम सीधा रास्ता गए हमारे घर का, और कुछ भी यहाँ पर इतनी खास बात नहीं है। ओके भाई साहब, इसके कंट्रोल कितने ज़्यादा तगड़े भाई, एकदम आखिरी वक्त पर भी मुड़ जाती है ये कार, वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छे तरीके से। ओके भाई साहब, भाई इसका जो ये नीचे की जगह है, मतलब कि इसे क्या कहते हैं आई डोंट नो, तो उसके उसका भी थोड़ा सा सही सही गैप है फुटपाथ वगैरह पर, तो कम से कम चढ़ ही जाती है ये वाली गाड़ी। बाकी गाइस इसके कंट्रोल देखो मैंने कैसे निकाल ली, थोड़ी सी टूट गई है, टूटी तो नहीं होगी, मतलब कि कार को तो कोई नुकसान नहीं हुआ होगा आई थिंक, क्योंकि भाई इतनी तगड़ी कार आई है, कोई छोटी मोटी कार नहीं है। तो ओके भाई यार, लोग गाड़ी पता नहीं कैसे चला रहे हैं, मुझे भी थोड़ा बहुत आराम से चलाना होगा ध्यान से, ताकि गाड़ी बेफालतू में ना फूट जाए, और तो कोई दिक्कत नहीं है। ओके अबे भाई यार, मैं थोड़ा सा आगे आ गया गलती से, ये तो अभी मुझे पीछे की ओर जाना, ठीक है। ओके ओ भाई, अपने ऑटोमेटिक सेंसर वाला गेट भी यहाँ पर खुल चुका है, एंड नाउ हम लोग पहुँच चुके हैं हमारे घर पर फ्रैंकलिन की ये वाली कार लेकर। बाकी भाई यार ये क्या ही कार है भाई, भाई बहुत ही ज़्यादा तगड़ी कार है। बाकी गाइस यार ये अभी मैं फ्रैंकलिन को देने वाला हूँ एक दो दिन में वापस, अभी के लिए तो ये वाली कार मैं ही रखने वाला हूँ, क्योंकि भाई मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है ये वाली कार, एंड इसके मॉडिफिकेशन के लिए मैंने इसे बोल दिया भाई करवाना हो तो करवा लेना। बाकी भाई ये ऐसे भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी चल रही है, और भाई सच्ची में बहुत तगड़ी कार है। और बाकी आई नो की कमेंट आएंगे भाई माइकल के लिए भी चाहिए ये वाली कार, बाकी भाई माइकल के लिए भाई आई थिंक सो कि रॉयल्स रॉयस ज़्यादा सूट करेगी, इसलिए मैं सोच रहा हूँ भाई रॉयल्स रॉयस लेंगे माइकल के लिए। और बाकी हाँ गाइज, उसके जब साइमन के पैसे आ जाएंगे तो हम लोग डीलरशिप भी खोलेंगे हमारी खुद की, जिसके अंदर हर एक टाइप की कार्स होगी, एंड मतलब हर एक टाइप की कार, मतलब कि भाई लैम्बो फरारी वगैरह रोल्स रॉयस सारी कंपनीज होगी उसके अंदर, भाई ऐसा कुछ शोरूम खोलेंगे। पर हाँ गाइस, 10 मिलियन में सारी कार्स नहीं आ पाएंगी, शुरू शुरू में थोड़ी सी कार आएंगी, शोरूम तो इतना महंगा नहीं बनता है लॉस सैंटोस में, कोई इतनी खास बात नहीं है, बट या गाड़ियाँ महंगी आ सकती हैं। अगर हाँ मैं लिबर्टी सिटी से लेकर आऊँ तो इतनी महंगी नहीं पड़ेगी हमें, बट यहाँ से लॉस सैंटोस से या फिर साइमन से खरीद लें तो साइमन आई थिंक सो कि सही लगा लेगा हमें। बाकी देखते हैं गाइज, अभी के लिए तो हम लोग साइमन से ही ले लेंगे गाड़ियाँ। तो चलिए गाइज यार, आज के इस वाली वीडियो में हम लोग इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। तो बाकी ये वाली कार अभी के लिए मैं रखने वाला हूँ एक दो दिन के लिए।